हेलो हेलो हेलो, दिस साइड अंजी एंड आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टर्बन ब्लॉक्स 0.0। थर्ड टाइम्स का रिवीजन था प्रीलिम्स का, वो कंप्लीट हो गया कल ही और मैं आज से अपना नया प्लान स्टार्ट करने वाली हूँ। जो मैं सब कुछ बना ली हूँ आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तभी मैं जाती हूँ ब्रश करने, फिर मैं शावर लूँगी, फिर मैं कुछ नाश्ता करूँगी, फिर मैं आके पढ़ाई करूँगी। तो अभी दांतों को साफ करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। और ये वहाँ से अभी तक निन्नी कर रहे हैं, ये सुबह का ही सोया है मेरे साथ। मैं अगर मॉर्निंग में उठ जाती तो ये भी उठ जाता, और अगर मैं नहीं उठती तो ये भी सोए रह जाता। तो चलो फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं डायरेक्ट नहाने धोने के बाद। बता अभी लिटरली बताऊँ ना तो मैं लिटरली मुझे बहुत नींद आ रहा, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। हेलो, तो अभी मैं शावर लेके आ गई हूँ और अपना डेस्क क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि क्लीननेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं पिछले वीक में पर डे वीडियो अपलोड कर रही थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बीच में हेडेक होने लगा फ़ोन यूज़ करने की वजह से। तो मैं सोची कि वीक में दो दिन ही वीडियो अपलोड करूँगी, बाकी लाइव तो चलते रहता है। और ये यहाँ पे सो रहा है। मैं क्या होता है ना कि कूलर से चलता है, तभी ठंडी का मौसम है यहाँ पे तो ठंडी लगने लगता है, तो ये बेड पे आ जाता है। और जब ये गर्मी लगता है तो नीचे चला जाता है, मतलब इसका अच्छा है ठंडी लगा तो ऊपर, गर्मी लगा तो नीचे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आई आर में सत्यम सो के लेक्चर से कर रही हूँ। और जो आई आर का, मतलब जितने जो मैप्स के पहले वाले चीज़ें थी ना, उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना ली हूँ। और मैपिंग वाला का तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो तो बस थोड़ा थोड़ा कंट्री वगैरह और फिर उसका बॉर्डर कंट्री क्या हुआ, जो भी मतलब वो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं वो तो याद कर लूँगी। एक बात और है, चीज़ों को याद कैसे करें, सिंपल सा तरीका बताऊँ ना। चीज़ों को लिख के याद करो, और जब लिख रहे हो ना तभी उसका एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना लो। सपोज़ कि मैं मैपिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो मैपिंग में मैं लेग्स का पार्ट कर रही, तो मैं जस्ट बता रही हूँ कि कैसे चीज़ों को याद करना है। तो जैसे कि मुझे लेग्स का पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगी कि हाँ देख लूँगी कि चिल्का लेग कहाँ है, ओडिशा में है। तो वो सब मैं अब एक बार रिवीजन कर लूँगी लिख के। दूसरे टाइम मैं क्या करूँगी, जब भी मैं लिख के रिवीजन करूँगी ना, तभी साइड में ही जैसे कि कोलोरू लेक हो गया, वो आंध्र प्रदेश में है, तो क्या कर दूँगी, कोलोरू कर दूँगी और उसको ब्लैंक करके छोड़ दूँगी। तो एक एक्टिव रिकॉल का भी काम हो गया। फिर मैं जब सेकेंड टाइम जाऊँगी ना, तो क्या करूँगी, जहाँ जहाँ मैं ब्लैंक चीज़ें छोड़ी हूँ ना, वहाँ वहाँ पर मैं उसको फिल कर दूँगी। जैसे कि महाराष्ट्र में है आपका लोनार लेक, तो मैं क्या लिखी, महाराष्ट्र लिख के उसको ब्लैंक छोड़ दी। फिर मैं जाऊंगी तो वहाँ पे फिल कर दूंगी लोनार लेक। इस टाइप का एक हमारा एक्टिव रिकॉल भी हो जाएगा और हमें चीज़ें याद भी रहेगी। जैसे कि हमारे साथ ऐसा होता है ना, कोई हमें सामने से पूछने वाला नहीं रहता है। अगर घर में, अगर आपके घर में कोई पूछने वाला है, तो उससे आप लेके जाओ और सिंपल बोलो कि हाँ मुझसे ये चीज़ आप पूछो और मैं इसका आंसर सही देता हूँ या फिर गलत देता हूँ। ये भी आप लोग कर सकते हो। और अभी मेरे घर में तो ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे सामने से ऐसा क्वेश्चन करे, तो मैं सिंपल चीज़ों को लिखती हूँ, थोड़ा सा लिखती हूँ, और बाकी जो याद करने वाला रहता है उसको मैं पूरा ब्लैंक कर देती हूँ। तो इस वजह से मुझे चीज़ें याद भी हो जाती है। जैसे कि मैं लेक का क्यों होता है, क्योंकि मैं लेक याद की हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लाइव अराउंड 6 AM को आती हूँ, 6 और 7 के अराउंड। मैं उड़ जाती हूँ 4 और 3:30 के अराउंड, कभी कभी लेट हो जाता है मुझे। तो अगर मैं मॉर्निंग में उठ रही ना, तो सबसे पहले मैं चीज़ें याद करने वाला रखती हूँ। जैसे कि पॉलिटी में जितना भी आर्टिकल्स है ना, वो सब मुझे एक दो बार याद करना है। और पॉलिटी हो गया, फिर जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी रहती है, नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गया। तो टाइगर रिजर्व तो मैं याद की हूँ, बट नेशनल पार्क में मैं थोड़ा थोड़ा मुझे दिक्कत होता है, उतना याद नहीं हो पाता, लेकिन हाँ टाइगर रिजर्व में याद की हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश में हो गया वो नागार्जुन सागर,
फिर अरुणाचल प्रदेश में हमारा 3 टाइगर रिजर्व है, नामपा, कमलंग एंड पाकी। असम में भी 3 या 4 के अराउंड है, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा। बिहार में हमारा एक ही है, वाल्मीकि। तो ऐसे कर करके मैं स्टेट वाइज याद की हूँ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा याद कर लिया, असम का पूरा याद किया, बिहार का, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब करके मैं स्टेट वाइज याद की हूँ, ताकि एक मतलब सीक्वेंस भी बना रहे। जैसे कि मध्य प्रदेश में है कन्हा, पेंच, फिर बांधवगढ़, पूना, शतपुरा, संजय दुबड़ी, तो ये सब मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे अगर सीक्वेंस से याद करोगे ना तो चीज़ें आपको याद रहेगी। और देखो ये एक स्टडी ब्लॉग है, तो मैं आके इसमें ऐसा कुछ फालतू नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने ये किया। अगर आप लोग देख रहे हो ना तो आपका 9 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमारे सबके साथ होता है। लाइक अगर कोई पढ़ रहा है ना तभी हमको याद आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ भी कवर करना है। तो शायद किसी को हेल्प हो सके कि अगर मैं मानती हूँ ये सुन के आपको याद नहीं होगा, और मैं ऐसे पूरा आपको बता भी नहीं रही हूँ कि हाँ एकदम पूरा मैं प्रॉपर आके बता दी, लेकिन एक हिंट्स होता है ना, अगर मैं हिंट दे दूँ ना तो जिसको याद करना होगा ना वो याद कर लेगा आके। एंड मैं बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं अपना जो मेरा थर्ड रिविज़न का है, थर्ड फेज का है, वो मैं अपना प्लान बनाई हूँ, लास्ट का 30 डेज, 3 डेज पर सब्जेक्ट, एंड लास्ट में देखते हैं कैसे करना है क्या करना है। तो अभी तो बस वही है, नोट्स अपना रिवीजन करो, जितना शॉर्ट नोट्स है पीटी को रिवीजन करो, टेस्ट दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करो। और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पीवाईक्यू देख भी रही हूँ, पीवाईक्यू को 50-50 पर डे क्वेश्चन को मैं एनालिसिस भी कर रही हूँ अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग, और ये मेरा पूरा पीवाईक्यू का शेड्यूल है। बाकी जो मेरा मैथ सीरीज वाला है वो भी मैं कर रही हूँ। तो बस इतना ही है जो मेरा थर्ड फेज का प्लानिंग है और जो थर्ड फेज में मैं करने वाली हूँ। ये देखो अभी मौसम कैसा हुआ है यहाँ पे। मेरे गले को क्या हो गया भगवान जाने, जब भी मैं बोल रही हूँ तभी ऐसे फंस रहा है मेरा गला। तो और ऐसे मौसम में आज तो फिर से झिमझिम 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 बारिश आने वाला है। एंड मैं छत पे आके थोड़ा सा घूमूंगी, क्योंकि अभी मुझे 1-2 घंटे तो और पढ़ूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर बेड पे पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो अभी बारिश भी आ रहा है, देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है। वो जो बिजली कड़कता है ना उसमें मेरे को लगता है कि मेरे आँख पे ही आ गया ये तो। अरे आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा ऐसे ग्रम ग्रम का। चलो फिर मैं जल्दी जाती हूँ, फिर मुझे पढ़ाई भी करना है। इंदो, ये मेरी मम्मी सब हटा दी पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, अकेला हूँ। चलो बाय बाय। ये मेरा लास्ट लॉट है जिसमें मैं सीसेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में प्रिंट नहीं की थी और मैं आज टेस्ट भी दी थी, जिसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। आज नहीं दी थी, मतलब कल दी थी। एंड आई गॉट 83 मार्क्स इन माय FLT सेकेंड FLT था, और जिसमें मुझे 83 मार्क्स आया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर डैट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और जो लाइव का टाइमिंग है वो है 6 AM टू 6 PM के अराउंड, और आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो बाय बाय ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।